हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो फिलहाल गाइस शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और सन बिल्कुल सामने आ चुका है वहाँ पे। तो हाँ, अभी जस्ट मैंने नहाया वहाया बिकॉज कल थोड़ा काम हो गया था ना, और कल मैं आदित्य के यहाँ भी चला गया था, इसी के लिए कल मैं गिव अवे का अपडेट नहीं दे पाया। और कमेंट में काफ़ी सारे लोग कह रहे थे गिव अवे अपडेट दो, गिव अवे का अपडेट दो। तो हाँ गाइस, आज के कमेंट में मैं आपको कमेंट नहीं सर आज की वीडियो में आपको गिव अवे का अपडेट दे रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैसेज किए हैं गाइज, मैं परसों के 8 बजे तक की बात कर रहा हूँ, उसी टाइम के 8 बजे तक की काउंटिंग होगी, उसके बाद की नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए हैं वो हैं अंकित रावल, ठीक है, उनके करीब मैसेज आए हैं 5900 से ज़्यादा मैसेज आए हैं, मतलब एकदम इक्वल नंबर मैसेज का नहीं पता है, 5900 से ज़्यादा मैसेजेज आए हैं। और जो दूसरे नंबर पर आए थे उनके लगभग 4000 से ज़्यादा मैसेजेस थे। तो हाँ अंकित रावत भाई, थैंक यू, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो विन किया है। तो हाँ, चैनल का गिव अवे हो चुका है, तो आप लोग को फाइनली अपडेट मिल चुका है। और कमेंट में बताना कि आप लोग ने कितने मैसेजेस किए थे, कितने ट्राई किए थे। वैसे मेरे पास टोटल जो मैसेजेस आए थे लगभग 276 आदमी के मैसेज आए थे, मतलब टोटल जो जितने भी आदमियों ने मैसेज किया था, जितने भी बंदों ने, 276 मैसेजेस थे। तो हाँ काफ़ी बड़ी चीज़ थी ना, उसके लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो मैंने आपको दे दिया। और फिलहाल गाइस एक चीज़ और, थैंक यू फॉर 10K की फैमिली मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो दिल से शुक्रिया आपका कि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे 10K की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। मैं 10K का इसीलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कोई अभी घर पे है नहीं, मम्मी पापा हैं, तो हाँ कुछ ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे। और भी सारे लोग रहते तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, जैसे हमने 5K सेलिब्रेशन किया था, खाला लोग रहती और अप्पी लोग और फिर मुजम्मिल जैद दुबई सारे लोग रहते, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। गाइस इस पेड़ में नॉर्मल छोटे छोटे से आम भी होने लगे हैं, ये देखो इसके वाले आम। गाइस फिलहाल काफ़ी शाम हो चुकी है यहाँ पर मेरे बैठे बैठे, फिलहाल मैं और मम्मी जी यहीं पर थे, तो अभी चलते हैं घर। आज का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा मस्त है और फिलहाल मैं छत पे आ गया हूँ। और यहाँ की वाइब भी ना गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, यहाँ पर वाइब का जो मज़ा है ना वो बहुत ही अलग है। बस यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मैं छत पे ज़्यादातर व्लॉग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बगल में मंदिर है और वहाँ पे 24 घंटे भजन कीर्तन होता रहता ना, तो इसी की उसकी वजह से उसके आवाज़ आते हैं और उसकी वजह से मेरी एक वीडियो पर कॉपीराइट आया है, इसकी वजह से मैं छत पर बहुत कम व्लॉग करता हूँ। फिलहाल अभी उस छत पर जाना है, कुछ काम है थोड़ा सा, तो चलिए चलते हैं आराम से। तो गाइस अभी जो एक ये वाला बोझा है इसको मुझे इस साइड गिराना है आंगन में, बिकॉज मम्मी खाना बनाएंगी ना, इसी को जलाती हैं और तभी बनाती हैं, और वहाँ आंगन में नाना जी बैठे हुए हैं, तो फिलहाल अभी इसको गिराते हैं आराम से। 3 2 1 गिर गया। सो गाइस फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है और टाइम हो रहे 5:02। अभी मैं बाहर में एक्चुअली कुछ काम कर रहा था और ये मतलब लकड़ी वकड़ी ढोने का काम कर रहा था इधर से उधर, और हाथ में ना थोड़ा सा मतलब लग गया है इस साइड में। तो गाइस यही कुछ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ थी जिसको उठा के अपने दरवाजे पे रखना था, तो वो सारे तो रखाया हूँ, और फिलहाल ये बाकी है और ये भी बाकी है। इसमें पत्ते लगे हुए ना, तो ये बकरियाँ खा लेंगी, और इसको ले चलते हैं फिलहाल उठा के घर पर। पापा जी ने मंगवाया था, पापा जी दिख ही नहीं रहे, पता नहीं किधर गए हैं। तो गाइज अभी सारी लकड़ी तो यहाँ रख दी है, अम्मी चाय गर्म कर दो ना। सो गाइज फिलहाल अभी शाम के लगभग टाइम हो रहा है 6:44। और गाइज एक चीज़ सरप्राइज आप लोग के लिए, मैं आज एक कॉमेडी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ, तो वो कॉमेडी वीडियो कब शूट होगा वो भी कंफर्म नहीं है, और आप लोग के लिए सरप्राइज़ है कि वो कॉमेडी वीडियो क्या होने वाला है। बाकी वो इस चैनल पर नहीं आएगा, किसी और चैनल पर आएगा, तो आपको पता चलेगा बाद में, वेट करना, एक्साइटेड रहना। बाकी मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके शूट के लिए। तो हाँ उसकी शूट के लिए हमने DSLR गिम्बल वगैरह मतलब सारी चीज़ का व्यवस्था हो चुका है, और वो कॉमेडी वीडियो इस चैनल पर नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ उस पर हम 2-3 लोग हैं, मतलब 2-3 सारे के सारे यूट्यूबर ही हैं, तो वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं अभी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो सबसे पहले अपनी कॉमेडी वीडियो का टाइटल लिख देते हैं हम। सारी स्क्रिप्ट वगैरह रेडी हो चुकी है, करीब आधे घंटे का टाइम लग गया मुझे लिखने में। तो हाँ बस ये कम से कम 1 से 1.5 मिनट की स्क्रिप्ट होगी, और अभी बाद में भी लिखनी है, तो शूट होगा स्टार्ट 2-3 दिन बाद। तो हाँ फिलहाल अभी अपनी पढ़ाई करते हैं। गाइस अभी स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलने वाली है, और इतनी बड़ी कुछ स्क्रिप्ट हुई है। सो गाइस फाइनली अभी मैंने सारे काम कम्प्लीट कर लिए, अपने स्क्रिप्ट भी रेडी कर लिए, पढ़ाई भी कर ली है, और वीडियो की एडिटिंग भी हो चुकी है। और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:23, तो हाँ खाना पीना भी हो चुका है मेरा, और सबसे मेन चीज़ थी स्क्रिप्ट, तो हाँ स्क्रिप्ट भी रेडी हो चुकी है।
फिलहाल मैं भी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बस बाहर में काफ़ी सारे नाना लोग बैठे हैं इसी के लिए, तो थोड़ा सा आवाज़ मैनेज कर लेना। और फिलहाल आज के इस ब्लॉग को करते हैं पेंट। आज की आठ की ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने गिव अवे का अपडेट दे दिया और 10K के लिए अगेन थैंक यू, और फिर उसके बाद गिव अवे का अपडेट दिया 10K, और एक नई वीडियो की स्क्रिप्ट भी लिखी और साथ में अपने कोचिंग की थोड़ा बहुत वर्क था उसको भी कम्प्लीट कर लिया। तो हाँ, आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।